हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ममता किचन एंड आर्ट में। और आज मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ अपनी सैटरडे की मॉर्निंग रूटीन। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं सुबह के 7 बजे, और मैं उनको बाय करके रूम में आ रही हूँ। और उसके बाद फिर थोड़ा सा रूम जो बेड बिखरा पड़ा है उसे मैं ठीक कर दूँगी, क्योंकि मेरी बेटी का भी स्कूल है तो उसे भी स्कूल जाना है तो उसे तैयार होने में आसानी हो। तो बस हल्का सा साफ कर दूँगी, क्लीन कर दूँगी मैं बेड को फ्रंट, और उसके बाद बेबी जो है तैयार हो जाएगी। बाकी के दिन में जो मेरे हस्बैंड है वही उसे रेडी करते हैं, बट सैटरडे को उनका ही मॉर्निंग ड्यूटी होता है तो कोई भी घर में सदस्य हैं वो कर देते हैं, नहीं तो फिर वो नहीं होती है तो मेरे से हो जाती है, ऐसा रहता है। तो अभी मैं रूम को पहले क्लीन कर देती हूँ, बेड को हल्का सा, उसके बाद फिर उसके लिए लंच बॉक्स बनाने जाऊँगी। जब तक मैं लंच बॉक्स बनाऊँगी वो नहा के अपना जो थोड़ा सा HW बचा होगा उसे पूरा कर लेगी। तो उसके पापा ने ड्यूटी जाने से पहले ही उसका ड्रेस को प्रेस कर दिया था। तो ये देखिए उसकी स्कूल ड्रेस को, सैटरडे को उसके स्कूल में वाइट यूनिफॉर्म चलता है और बाकी के दिन का अलग होता है। तो उसके बैग को और उसके स्कूल ड्रेस को मैं बेड में रख दूँगी ताकि उसको नहा के आने के बाद कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने रख दिया उसके बैग को और ड्रेस को। तो चलिए अभी किचन में चलते हैं हम। तो मॉर्निंग स्कूल था तो सभी ने चाय पी लिए फ्रेंड, मैं ही बची हुई हूँ तो मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। और साथ में बेबी के टिफ़िन के लिए मैं आटा भी गूंद लूँगी। बेबी को आज टिफ़िन बॉक्स में रोटी सब्जी ले जाना है और इसी के लिए मैं उसके लिए काले चने की सब्जी और रोटी बनाऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड, और इधर मैं आटा गूंद लेती हूँ, इधर चाय चढ़ा दी हूँ मैं अपने लिए। तो मेरा चाय भी बिल्कुल बन के तैयार है। मेरा काम ऐसे ही रहता है फ्रेंड, बहुत सैटरडे को बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी होता है क्योंकि उसके पापा भी नहीं रहते हैं और बच्चों को, दोनों बच्चों को भी देखना होता है और बाबू भी अभी छोटा है तो थोड़ा परेशान करता है। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं चाय पीते पीते अभी रोटी बना लूँगी अपनी बेबी के लिए। तो चलिए अभी रोटी बनाते हैं काव्या बेबी के लिए। मैं उसके लंच बॉक्स में फ्रेंड दो ही रोटी डालती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कोई बच्चे लेके नहीं आए तो फिर वो उसे दे सकती है आराम से। तो इसी कारण दो ही रोटी डालती हूँ, बाकी वो दो रोटी खाती नहीं है, एक रोटी से भी कम खाती है, चाहे वो बचा के ला ले पर मैं एक्स्ट्रा ही डाल देती हूँ। तो ये देखिए बेबी के लिए रोटी बस बन के तैयार होने वाला है। और उसके बाद फिर बाकी के मेंबर्स के लिए भी मुझे नाश्ता बनाना होगा, क्योंकि सैटरडे का दिन जो होता है सबके लिए अलग अलग ही बनता है, कि बाकी दिन होता है तो रोटी सब्जी ही बनता है सबके लिए, और सैटरडे और संडे को थोड़ा चेंज हो जाता है हमारा जो नाश्ते का है वो, क्योंकि सबका अलग अलग होता है तो अलग अलग ही बनता है। और बेबी को आज रोटी सब्जी चाहिए थी तो बस उसके लिए रोटी सब्जी बनी। और ये देखिए छोटा सा पेन चढ़ा दी हूँ मैं, और उसके लिए काले चने की सब्जी मैं फ्राई करूँगी। काले चने में बस मैं कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊँगी, क्योंकि बेबी तो मिर्च खाती नहीं है तो मिर्च तो बिल्कुल ही नहीं डालूँगी मैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। और टमाटर, एक टमाटर ज़रूर ऐड करूँगा क्योंकि टमाटर जो है बहुत ही अच्छा होता है बच्चों के लिए भी, और बेबी तो ऐसे भी खाती नहीं है तो उसके लिए इसीलिए मैं टमाटर डाल देती हूँ। अगर आपके बच्चे अंकुरित काले चने खा ले तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं खाते तो आप ऐसे बना के उन्हें खिला सकते हो, ये भी बहुत पौष्टिक होती है। और ये देखिए मैंने बहुत ही कम ऑयल डाला, और कटा हुआ प्याज, रफली चॉप किया हुआ प्याज है ये, तो बस हल्का सा ब्राउन करना, हमें जलाना नहीं है प्याज को बिल्कुल भी। और ये देखिए मैंने डाल दिया चने को, फ्राई कर लेना इसे 2 से 3 मिनट, फ्राई कर लिया फ्रेंड। अभी इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, टमाटर ऐड किया इसके बाद अभी ऐड कर देंगे इसमें हल्का सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला, मिर्च तो इसमें ऐड करना ही नहीं है हमें। तो ये देखिए बस 5 मिनट में बन के रेडी हो जाएगी। और इसे धनिया की पत्तियों से मैं थोड़ा गार्निश कर दूँगी बस, वैसे बेबी को धनिया की पत्ती भी पसंद नहीं है पर फिर भी मैं डाल देती हूँ। तो चलिए बेबी के लिए टिफिन तैयार हो गई, अभी इसे ठंडा होने देते हैं फिर पैक करेंगे। तो ये देखिए हमारी सब्जी जो है ठंडी हो गई है, तो इसे मैं पैक कर देती हूँ और रोटी भी पैक कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, बेबी के लंच बॉक्स वाटर बोतल बिल्कुल रेडी है, तो मैं अभी उसे उसके बैग में डाल के आती हूँ। जब तक बेबी अपना होमवर्क कर रही है तब तक मैं सोच रही हूँ बाकी के लोगों के लिए मैं पोहे बना लूँ। तो ये देखिए पोहे के लिए मैं मिर्च और प्याज काट देती हूँ सबसे पहले, साथ में बेबी भी खा लेगी 1-2 चम्मच, वैसे खा लेती है पोहे 2-4 चम्मच खा लेती है। तो चलिए अभी कटिंग कर देते हैं। तो ये देखिए कट हो गया, अभी मैं कढ़ाई चढ़ा दूँगी
और पोहे को मैं भिगा के आ जाती हूँ। फ्रेंड मैं जो किचन का बेसिंग है बहुत कम ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि पूरा पानी पानी हो जाता है किचन जो है, तो इसे फिसलने का बहुत ज़्यादा डर रहता है टाइल्स में, तो इसी कारण बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। बाकी मैं बाहर से यूज़ करती हूँ सारा कुछ, बर्तन धोने का जो भी है बाथरूम साइड वहीं यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया, उसमें ऑयल डाल दिया, ऑयल डाला फ्रेंड 4 से 5 चम्मच, और फिर इसमें हम तड़का लगा देंगे, सॉरी पहले हम फली फ्राई करेंगे। पोहे में फली सभी को पसंद है, तो फिर मैं फली ज़रूर डालती हूँ पोहे में। तो ये देखिए मैं फली डाल रही हूँ और उसको फ्राई कर देते हैं क्रंच होने तक। थोड़ा सा क्रंची टेस्ट बहुत अच्छा लगता है फली में मुझे, तो फ्राई करके मैं निकाल लूँगी फली को। और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है फली फ्राई हुआ वाला, ऐसे ही खाते हैं उन लोग, तो उन लोग के लिए थोड़ा सा बचा भी दूंगी मैं अलग से, क्योंकि काबी ऐसी भी खाती है। तो ये देखिए फ्रेंड मैं तड़का लगाया सरसों का हल्का सा, और इसमें ऐड किया हरी मिर्च प्याज, और मेरे पास जो है कड़ी लीव्स नहीं थे तो मैं कड़ी लीव नहीं डाली हूँ, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताकर बताई हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि घर में को अवेलेबल नहीं होता या फिर नहीं रहता, ख़त्म हो गया रहता है, तो यही कारण है कि मैं जैसे भी एडजस्ट कर लेती हूँ और बना लेती हूँ कम से कम सामान में। तो बस हल्का सा डाला हल्दी पाउडर, क्योंकि ज़्यादा हल्दी का टेस्ट मुझे पसंद नहीं है, पोहे में बहुत ही हल्का सा पसंद है, तो बस थोड़ा सा ही डाला एक चुटकी के आसपास। नमक डालना अपने टेस्ट के अनुसार से, और मैं इसमें ऐड करूँगी फ्रेंड 2 चम्मच शक्कर, मैं शक्कर ज़रूर ऐड करती हूँ पोहे में, और हल्का सा पानी डाला ताकि शक्कर जो है मेल्ट हो जाए, घुल जाए अच्छे से मसालों में। तो ये देखिए इसे चला देते हैं अभी, और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पोहे। तो चलिए फ्रेंड पोहा को ऐड कर देते हैं और 2 से 3 मिनट इसे भून लेते हैं मसालों के साथ में। तो हमारा जो पोहा है बिल्कुल बन के रेडी है, अभी 4 से 5 लोग ये पोहा खाएंगे, फिर बाकी के लोगों के लिए मैं एक और नाश्ता बनाऊंगी जो हमारे छत्तीसगढ़ का बहुत ही फेमस नाश्ता है, जिसे फरा भी कहते हैं और मुठिया भी कहते हैं, तो वही बनाने वाली हूँ मैं। तो आप लोगों को तो पता ही होगा हमारे घर 12 से 13 लोग हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही लोग हैं, तो सबके लिए बनाना हो जाता है। तो ये देखिए मैंने आटा गूंथ लिया था, आटा गूंथ लिया फ्रेंड मैंने, चावल का आटा इसमें, और जो बचा हुआ भात होता है उसको डाला, नमक डाला, और उसी से दोनों हाथों से मैं इसे बना के रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए इसका 2 तरीका है फ्रेंड, आप इसे स्टीम करके फ्राई कर सकते हो, और एक तरीका ये है कि आप इसे पानी में भाप में पका सकते हो। तो ये देखिए मैं भाप में पका करके फ्राई करने वाला नहीं बता रही हूँ आपको, बहुत ही सिंपल तरीका बता रही हूँ। तो ये देखिए सबसे पहले ऑयल डाला, उसमें डाला खड़ी मिर्च, और डाला तेल, तेल तो आप सभी जानते होंगे जिससे तिल का लड्डू बनता है वही वाला तेल, थोड़ा सा डाला 2 चम्मच के आसपास, इसका जो टेस्ट है फॉरेन में बहुत ही बढ़िया लगता है। अब इसमें डालेंगे हम पानी, 2 गिलास के आसपास मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। तो ये देखिए मैंने इसमें ऐड कर दिया पानी, अभी इसे उबलने देंगे फ्रेंड, थोड़ा उबाल आ जाए इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सारे फरों को जिसे मैंने बनाया हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड सारे फरों को हम ऐड कर देंगे, ये बिल्कुल पक जाता है फ्रेंड अच्छे से, बिल्कुल टाइट वाले ढक्कन में आपको ढकना है। और जब तक हमारे फरे जो हैं वो बनते हैं तब तक मैं इधर बर्तन जो रात का धुला हुआ है उसे रेक कर देती हूँ, रेक में जमा देती हूँ। मेरा यही रहता है कि एक काम के पीछे नहीं पड़ी रहती, एक काम को छोड़ अगर हो रहा है इधर सब्जी बन रहा है आराम से, तो मैं इधर दूसरे काम कर लेती हूँ, साथ साथ क्लीनिंग का काम भी कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड मैंने बर्तन को भी रेक में जमा दिया है, और अभी हमारा फरा चेक कर लेते हैं कि बना कि नहीं। तो बिल्कुल अच्छे से जो है पक गया है। तो फरे को खाने के लिए मैं इसके लिए चटनी बनाऊँगी। तो मिक्सी के जार में मैंने डाला टमाटर, हरी मिर्च, नमक और धनिया की पत्ती, तो ये सब डाल के मैं पीस लूँगी, मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। तो चटनी भी बिल्कुल तैयार है फ्रेंड्स, और बाकी के लोग अभी ये खाने वाले हैं फरा, जब तक मैं रूम को क्लीन कर देती हूँ किचन को। तो ऐसा रहता है फ्रेंड मेरा मॉर्निंग का रूटीन। अगर आपको मेरी मॉर्निंग रूटीन पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को वॉच करने के लिए फ्रेंड, और ऐसे ही बने रहिएगा। तो देखिए इधर हमारा फरा बिल्कुल भी बन के रेडी हो गया है, और मेरा मॉर्निंग का नाश्ता कुछ ऐसा था सैटरडे का। तो ये देखिए चाय, और इधर फरे, और पोहा, और बेबी के लिए रोटी सब्जी, बस इतना ही नाश्ता आज बनाया मैंने। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को वॉच करने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।